बचपन से लेकर हमारी मृत्यु तक हमारे साथ जो कुछ भी गलत घटनाएं घटती हैं, जो कुछ भी गलत होता है, वो सब बातें हमारे हृदय पटल पर छप जाती हैं। वो हमें हमेशा याद रहती हैं। हम इन्हें चाहकर भी भुला नहीं सकते, लेकिन जब भी हमारे साथ कोई और नई घटना घटती है या फिर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो हम अपने आप से ये जरूर कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही खराब थी, हमने तो पूरी कोशिश की थी, या फिर हमारा तो कोई दोष ही नहीं था। और जब हमारी किस्मत ही खराब है तो हम कर ही क्या सकते हैं। अगर आप भी यही सोचते हैं और यही मानते हैं तो आज की ये कहानी आपके लिए ही है। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगरी में एक व्यक्ति रहा करता था। वो अपनी किस्मत को लेकर बहुत रोया करता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत बहुत खराब है और भगवान ने ना जाने क्यों उसकी किस्मत ऐसी लिखी है। एक दिन वो व्यक्ति एक सड़क से होकर गुजर रहा था, तभी उसने देखा कि एक बौद्ध भिक्षु ध्यान में लीन बैठे हुए हैं। वो उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच गया और उनसे कहने लगा कि हे गुरुवर, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं। इस पर बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बताओ, तुम्हें क्या समस्या है और तुम यहां पर क्यों आए हो। वो व्यक्ति बौद्ध भिक्षु से कहता है कि हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं, बहुत परेशान हूं, मैं जो कुछ भी करता हूं सब कुछ उल्टा ही हो जाता है। जो कुछ भी करने की कोशिश करता हूं वो सब खराब हो जाता है। मेरे हाथों द्वारा किया हुआ हर काम पूरी तरह से बिगड़ जाता है, फिर चाहे मैं उस काम को कितनी भी अच्छी तरह से क्यों ना कर लूं, कितना भी मन लगाकर क्यों ना करूं, लेकिन वो काम कभी भी सफल नहीं हो पाता। मेरी किस्मत मेरा साथ ही नहीं देती है और मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। मैंने सुना है कि आप सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो आज आप मेरी समस्या का समाधान कर दीजिए। मेरी इस फूटी किस्मत का कोई उपाय बताइए। मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? क्या आप मेरी इस फूटी किस्मत का इलाज कर सकते हैं, इसे ठीक कर सकते हैं। वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुन रहे थे और फिर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं, फूटी किस्मत, कहाँ है तुम्हारी फूटी किस्मत और तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है। इसका जवाब देते हुए वो आदमी बौद्ध भिक्षु से कहता है, अगर मेरे हाथों से कोई काम बन ही नहीं रहा है, मैं जिस काम को भी हाथ लगाता हूं वो सारा काम बिगड़ जाता है, फिर मैं चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लूं, मैं चाहे कुछ भी कर लूं, मैं किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाता, तो इसका क्या अर्थ हुआ? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? जब मैं पैदा हुआ तो मेरे माता पिता गुजर गए, पास के ही एक अनाथ आश्रम ने मुझे गोद ले लिया था, मेरा पालन पोषण वहीं पर हुआ, और जब मैं बड़ा हो गया तो मुझे एक लड़की से प्रेम हो गया, लेकिन उस लड़की ने भी मुझे धोखा दे दिया, उस लड़की ने किसी और से विवाह कर लिया। ये सब देखकर मैं पूरी तरह से टूट चुका था, मेरा आत्मविश्वास पूरी तरह से बिखर चुका था। जैसे तैसे मेरे मित्रों ने मुझे संभाला, उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इन सब चीज़ों को भूल जाना चाहिए। मैंने आगे बढ़ने की कोशिश की, मैंने अपने एक मित्र के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, लेकिन यहाँ पर भी मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। मैंने जिसके साथ वो व्यापार शुरू किया था, मेरे उस मित्र ने सारा व्यापार मुझसे हड़प लिया और मुझे उस व्यापार से बेदखल कर दिया। मैं एक बार फिर से पूरी तरह से टूट चुका था। मेरे मन में अब केवल एक ही ख्याल था, मेरे इस तरह जीने का क्या अर्थ है? क्या मेरी किस्मत केवल धोखा खाने की है? क्या मुझे जीने का कोई हक नहीं? क्या मुझे खुशियां पाने का कोई हक नहीं? क्या मेरी किस्मत फूटी हुई नहीं है? क्या आप मेरी इस किस्मत को ठीक कर सकते हैं? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि अच्छा, ये बात है, तो बताओ कहाँ है तुम्हारी वो फूटी किस्मत, लाओ मुझे दो, मैं उसे अभी ठीक कर देता हूँ और तुम उसे लेकर फिर चले जाना। इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे बंते, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, भला मैं अपनी किस्मत आपको कैसे दे सकता हूँ। किस्मत कोई ऐसी चीज तो है ही नहीं कि मैंने निकाली और आपको दे दी, वो तो दिखाई तक नहीं देती है। क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं? इस पर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, जब तुम्हें किस्मत दिखाई ही नहीं देती और
और ना तुम इसे लेकर के घूम सकते हो, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है? फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस पर वो व्यक्ति कहता है, हे गुरुवर, मेरे साथ सब कुछ हो चुका है, मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मेरी किस्मत खराब नहीं है? मेरे साथ कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं होता, मैं जो कार्य करने जाता हूँ सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर मेरी किस्मत सही होती तो मेरे सारे कार्य सफल होते, मुझे अपने व्यापार में भी धोखा नहीं मिलता, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि मेरी किस्मत खराब है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, बंते, मुझे तो तुम बिल्कुल ही ठीक नजर आते हो, तुम्हारा हाथ पैर पूरा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नजर आ रहा है, तुम अभी भी ठीक हो, चल फिर रहे हो, जीवन जी रहे हो, सांस ले रहे हो, और तुम अभी तक मरे भी नहीं हो, तो फिर तुम्हारी किस्मत कैसे खराब हो सकती है? यदि तुम्हारी किस्मत खराब होती तो तुम बीमार होते, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग पूरी तरह से काम नहीं कर रहा होता, या फिर तुम्हारे शरीर का कोई अंग होता ही नहीं, या फिर हो सकता है कि तुम मृत्यु को भी प्राप्त हो जाते। लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारी किस्मत खराब है? इस बार वो व्यक्ति झल्लाकर बोध भिक्षु से कहता है, हे गुरुवर, लग रहा है आपको मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। मैंने आज तक जो भी कार्य करे हैं, उन सभी कार्यों में जो भी पूंजी मैंने लगाई है, वो सब कुछ डूब चुकी है, नष्ट हो चुकी है, और उसके बाद मैंने जो कर्जा लिया था, उस कर्जे का पहाड़ मेरे ऊपर है। सारे कर्जदार मेरे घर खड़े रहते हैं कर्जा लेने के लिए और मुझे धमकियां देते रहते हैं। उन सभी ने मिलकर मेरा घर मुझसे छीन लिया, क्योंकि मैं उनका पैसा उन्हें वापस नहीं लौटा सका। और इतना ही नहीं, वो लोग अभी भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं कि मैं उनका पैसा लौटा दूं। लेकिन जिस व्यापार में मैंने वो पैसे लगाए थे, वो व्यापार तो किसी और ने हड़प लिया। और जब मैं अपने उस मित्र से पैसे मांगता हूं, तो वो भी मुझे पैसे देने से इनकार कर देता है। अब बताइए, मैं उनका कर्जा कैसे लौटाऊं? मैं भला कहां जाऊं? अब मेरे पास तो कोई घर भी नहीं बचा। तो फिर इन हालातों में मैं ये कैसे कह सकता हूं कि मेरी किस्मत सही है? इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहते हैं कि अच्छा, ये बात है, इसका मतलब कि समस्या बहुत गंभीर है। तभी वो व्यक्ति कहता है, हाँ बिल्कुल सही, अब आपने बिल्कुल सही समझा है, मैं इस समय बहुत ही दुखी हूँ, मैं अपने जीवन के बहुत बुरे दौर से गुजर रहा हूँ और मेरी हालत अब मेरे काबू में नहीं है, अब आप ही मेरा आखिरी सहारा है, कृपया करके मुझे कोई उपाय बताइए। पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से फिर कहता है कि ये तो अच्छी बात है कि तुम जीवित हो और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम अपने इन हालातों का सामना करने के लिए जी रहे हो और तुम अपने इस जीवन की समस्याओं का हल भी कर सकते हो। इस पर वो व्यक्ति दुखी मन से कहता है कि हे गुरुवर, लगता है अभी भी आप मेरी बात समझ नहीं पाए। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति से कहता है कि नहीं, मैं तुम्हारी बात को अच्छी तरह से समझ चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बातों को नहीं समझ पा रहे हो। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति का हाथ पकड़कर एक नदी के किनारे ले जाते हैं और उस आदमी से कहते हैं कि बंते, इस नदी को ध्यान से देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो आदमी कहता है कि नदी जोरों से बह रही है, इसका बहाव बहुत तेज है। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि यदि मैं किसी पेड़ का एक पत्ता इस नदी में गिरा दूं, तो वो किस दिशा में बहता हुआ जाएगा? वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है, ठीक उसी दिशा में वो पत्ता भी चला जाएगा। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि बिल्कुल सही कहा है तुमने, अब बताओ मुझे किस पत्ते की किस्मत किसके हाथों में है? इस पर वो आदमी कहता है, हे गुरुवर, उस पत्ते की किस्मत इस नदी के हाथों में है, वो जहां चाहे इसे बहा कर ले जा सकती है, क्योंकि इसका बहाव बहुत तेज है। तब वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराते हुए उस आदमी से कहते हैं, और मान लो कि वो पत्ता सिर्फ मेरे हाथों में ही है और मैं चाहे उसे नदी में फेंकूं या ना फेंकूं, तो बताओ उस पत्ते की किस्मत क्या होगी? इसका जवाब देते हुए वो आदमी कहता है कि इस हिसाब से तो पत्ते की किस्मत
आपके हाथों में हुई। आप चाहे तो उसे नदी में फेंक सकते हैं या फिर आप चाहें तो उस पत्ते को कहीं और भी फेंक सकते हैं। इस पर वो बौद्ध भिक्षु मुस्कुराकर उस आदमी से कहते हैं, इस पत्ते की किस्मत ना तो नदी के हाथों में है और ना ही मेरे, क्योंकि मैं चाहे कितने भी कोशिश कर लूं, यदि एक पत्ता किसी वृक्ष से टूट चुका है तो वो आज नहीं तो कल सूख ही जाएगा। जब तक वो पत्ता किसी पेड़ से जुड़ा हुआ है तब तक उसे भोजन मिल रहा है, ऊर्जा मिल रही है, लेकिन जैसे ही वो पत्ता पेड़ से अलग हो जाता है तो उसे ये सब मिलना बंद हो जाता है। तो अब बताओ उसकी किस्मत अच्छी है या बुरी। तब वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, ऐसे तो उसकी किस्मत बुरी ही है, क्योंकि पेड़ पर रहने पर उसे भोजन और ऊर्जा दोनों ही मिल रहे थे, इस कारण से वो फल फूल रहा था, लेकिन पेड़ से अलग होने के बाद उसे वो भोजन और ऊर्जा प्राप्त नहीं होगी। तभी वो बौद्ध भिक्षु एक डाली से एक पत्ते को तोड़कर कहता है, ये पत्ता मेरे हाथ में है और ये अभी तक सूखा भी नहीं है, इसके अंदर अभी भी ऊर्जा है, भोजन है, जिससे वो अभी भी कुछ कर सकता है, इसमें अभी भी जीवन बाकी है। तभी अचानक जोर की हवा चली और उन गुरुवर के हाथों से वो पत्ता उड़कर थोड़ी दूरी पर जा गिरा। इस पर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, तुमने देखा, यदि ये पत्ता अभी तक उस पेड़ से जुड़ा हुआ होता तो उतनी दूर उड़कर कभी नहीं जा पाता। आज ये पत्ता पेड़ से अलग होकर पूरी तरह से स्वतंत्र हो चुका है और इसने अभी अभी उड़ने का आनंद भी उठाया है, जो ये पेड़ पर रहकर कभी नहीं कर सकता था। इतना कहते हुए वो बौद्ध भिक्षु उस पत्ते के पास पहुंचे और उस पत्ते को उठाकर नदी में फेंक दिया और उस आदमी से कहा, इसकी किस्मत कैसी है। इस पर वो आदमी उन बौद्ध भिक्षु से कहता है, अब इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये अब नदी में तैर रहा है, लेकिन अभी भी ये नदी के बहाव के साथ ही बहता हुआ जाएगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। इसका जवाब देते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं, ये पत्ता नदी में तैरने का आनंद जरूर ले रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने ऊपर ना जाने कितने ही छोटे छोटे जीव जंतुओं को बचाएगा, उनको जीवन दान देगा, और ना जाने कितने ही जीव जंतुओं को ये एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचाने में उनकी मदद भी करेगा। इसके बाद वो बौद्ध भिक्षु फिर से उस आदमी से पूछते हैं कि अब बताओ पत्ते की किस्मत कैसी है। तो वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, अब तो इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, क्योंकि ये किसी के काम आ रहा है और ये किसी का जीवन भी बचा रहा है, इसीलिए इसकी किस्मत तो बहुत अच्छी हो गई। पर मेरी किस्मत वो कैसे अच्छी होगी, ये तो आपने कुछ बताया ही नहीं। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि मान लो कि तुम्हें इस नदी को पार करना है और तुम नदी में उतरते हो, तो पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस दिशा में अच्छी तरह से तैर सकोगे। इस पर वो आदमी जवाब देते हुए कहता है कि गुरुवर, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरना आसान होगा और मैं उस दिशा में आसानी से तैरता हुआ चला जाऊंगा। उस आदमी की ये बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु कहते हैं, और यदि मान लो कि तुम्हें इस नदी के बहाव के विपरीत दिशा में तैरना हो तब तुम क्या करोगे, क्या तुम्हारी किस्मत तब भी अच्छी होगी। वो आदमी कहता है कि नहीं गुरुवर, तब तो मुझे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब मेरी किस्मत भला अच्छी कैसे हो सकती है। उस आदमी का ये जवाब सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं, और यदि मान लो कि तुम्हारे हाथ पैर नहीं है और फिर भी मैं तुम्हें कहूं कि तुम इस नदी की विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्ष्य तक पहुंचो, तब तुम्हारे मन में क्या ख्याल आएंगे और तुम्हारी किस्मत कैसी होगी। इस पर वो आदमी कहता है कि हे गुरुवर, अगर मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो मैं विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचूंगा। अगर मेरे हाथ पैर सही सलामत होंगे तो हो सकता है कि मैं विपरीत दिशा में तैर कर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊं, भले ही उसमें समय थोड़ा ज्यादा लगे, लेकिन यदि मेरे हाथ पैर ही नहीं होंगे तो भला मैं कैसे पहुंचूंगा, तो ऐसे में मेरी किस्मत तो और ज्यादा बुरी हो गई। तब वो बौद्ध भिक्षु उस आदमी से कहता है कि अब तुम्हें ये समझ में आया कि तुम्हारी किस्मत अभी भी अच्छी है, पहले भी अच्छी थी और आगे भी अच्छी ही रहेगी, बस तुम्हारे अंदर एक छोटी सी तकलीफ ये है कि जो भी समस्या है जो हमारे सामने आ रही है उन समस्याओं का तुम सामना नहीं करना चाहते हो,
लेकिन जिन समस्याओं को तुम पीछे छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हो, वो समस्याएं तुम्हारे साथ ही चल रही हैं। जैसे कि मान लो, यदि इस नदी का बहाव और ज्यादा तेज हो जाए तो तुम्हें इस नदी की विपरीत दिशा में तैरने में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। वो आदमी कहता है, हे महाराज, तब तो मुझे अत्यधिक मेहनत करनी पड़ेगी और मुझे बहुत ज्यादा थकान भी होगी, लेकिन किसी ना किसी तरह मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच जाऊंगा। तब वो बोध भिक्षु उस आदमी से पूछता है, अच्छा मान लो नदी का बहाव और भी ज्यादा तेज हो जाए तो क्या तुम नदी की विपरीत दिशा में तैरना पसंद करोगे? वो आदमी कहता है, नहीं नहीं गुरुदेव, मैं तो इस नदी में उतरने का सोचूंगा भी नहीं, विपरीत दिशा में तैरना तो दूर की बात रही। आखिर में अपनी सभी बातों का निचोड़ निकालते हुए वो बोध भिक्षु उस आदमी से कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जब हमारे जीवन में अत्यधिक कठिनाई या अत्यधिक परेशानियां आती हैं, जो नदी के तेज बहाव की तरह होती है, और जब हमें ये घेर लेती है तो हमें कुछ भी समझ नहीं आता और हम इनसे भागने की कोशिश करते रहते हैं। हम इनका सामना कभी करना ही नहीं चाहते, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी तुम्हारे सामने ऐसी परिस्थिति आए कि तुम्हें लगे कि तुम्हारे हाथों में कुछ नहीं है, तब तुम्हें नदी की दिशा में बहकर अपने लिए एक सुरक्षित स्थान खोजना चाहिए, क्योंकि उस समय तुम्हारा ध्यान केवल अपनी रक्षा पर होना चाहिए, क्योंकि जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है वो है तुम्हारा जीवन। यदि तुम्हारा जीवन तुम्हारे साथ रहेगा तो आज नहीं तो कल ये तेज बहाव जरूर शांत हो जाएगा, और नदी का बहाव भी हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रहेगा, उसे आज नहीं तो कल थमना ही पड़ेगा। और जब नदी का बहाव कम हो जाएगा तब तुम चाहो तो नदी की विपरीत दिशा में तैर सकते हो, और फिर तुम जैसा चाहो वैसा मुकाम हासिल कर सकते हो। तो अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें अभी भी ये लगता है कि तुम्हारी किस्मत खराब है, या फिर तुम्हारी किस्मत अभी भी फूटी हुई है? ये कहकर वो बोध भिक्षु जोर जोर से हंसने लगते हैं, और ये सुनकर वो आदमी भी जोर से मुस्कुरा उठा और उनसे कहता है कि हे गुरुवर, आप सही कहते हैं, मेरी किस्मत पहले भी अच्छी थी, आज भी अच्छी है और आगे भी अच्छी ही रहेगी। मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरे हाथ पैर सही सलामत है, मेरा जीवन मेरे साथ है, मेरे पास है और मैं सांसें भी ले रहा हूँ। हाँ, मेरे पास घर नहीं बचा, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास कुछ पैसे बचे हैं, खाने के लिए भोजन है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, जिनकी मदद से मैं एक बार फिर से अपने उन मुकामों को हासिल कर सकता हूँ। जो चला गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, और आने वाले कल की चिंता कर्मयोगी नहीं करता। अगर मैं बीते हुए कल के शोक में डूब गया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो मैं पाना चाहता हूँ, मैं उसकी तलाश में अब आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं वो सब प्राप्त करना चाहता हूँ, और मैं वो प्राप्त करके ही रहूँगा, क्योंकि अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ जो मुझे बांधे हुए थी, मुझे रोके हुए थी, लेकिन अब मैं उस पेड़ से अलग हो चुका हूँ, और अब मेरे पास एक ऐसा सुनहरा मौका है जिससे मैं अपने जीवन को संवार सकता हूँ, उसे निखार सकता हूँ। इतना कहकर वो आदमी उस बोध भिक्षु को प्रणाम करता है और अपने मार्ग पर आगे की ओर निकल पड़ता है, और वो बोध भिक्षु भी अपनी राह पर आगे चल पड़ते हैं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर देना। ये कोई ऑर्डर नहीं है, ये एक रिक्वेस्ट है, मान लीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।